नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 5 का पार्ट 2 है ये, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक के प्रश्नों को हल किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। कराए इफ सम ऑफ nth टर्म ऑफ अ जीपी इज 2 की पावर n-1, यानी कि एक जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल हमको दिया गया है 2 की पावर n-1। हमें निकालना है इसका कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो हम तब निकाल पाएंगे, पहले हम इसके एक पद का योगफल निकाल लें। s1 निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 2 की पावर 1-1, यानी कि कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। s2 निकाल लिया जाए, यानी कि दो पदों का योगफल निकाल लिया जाए, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2-1, ये कितना आ गया 3 आ गया। और निकालना चाहते हैं तो आप S3 भी निकाल लीजिए, S3 का मतलब कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8-1 यानी कि 7 है ना। अब देखिएगा हमको क्या करना है, अब T1 निकालना है, पहला पद निकालिए। अभी ये योगफल दिया है तो T1 बराबर S1 होगा, पहला पद तो यही रहेगा, और दूसरा पद जो होगा T2 बराबर हो जाएगा S2-S1। दो पदों के योगफल में पहला पद घटा देने पे दूसरा पद प्राप्त होता है, तो कितना आ जाएगा ये 3-1, तो कितना हो गया ये 2 आ गया। अच्छा, T3 अगर हमको निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा S3-S2, तो कितना आ जाएगा ये 7-3 मीन्स 4 है ना। T1 T2 मिल गया, अब आप कॉमन रेशियो निकाल दीजिए। कॉमन रेशियो यानी कि सर्वानुपात निकालना है आपको, तो कोई भी पद ले लीजिए, उससे पहले वाले पद को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2/1, यानी कि कितना आ गया कॉमन रेशियो इसका 2 आ गया। 26 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, 26 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27, यानी कि 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि सम हमें निकालना है द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। एक सीरीज है, उस इनफाइनाइट सीरीज दी गई है हमको। अच्छा, अब देखिएगा अगर हम इसको देखें, यानी कि घटा के देखें, एपी है कि जीपी है क्या है हमें नहीं पता, तो 1-√2 और -1 है ना, तो 1-1 कट जाएगा, -√2 आया। यहाँ पे देखते हैं कितना आ जाएगा, √2-1-1, तो ये √2-2 हो जाएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, इसका मतलब क्या है, ये एपी नहीं हो सकती। चलिए चेक करते हैं क्या जीपी हो सकती है क्या। जीपी कोई पद उठाइए, एक पद उठाइए, T2/T1 करिए, तो ये आ जाएगा √2+1। अच्छा, देखते हैं क्या ये बराबर आता है क्या, दोनों बराबर आते हैं क्या, √2-1/1। अगर ये दोनों यानी कि T2/T1 इक्वल टू आ जाए T3/T2, तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, जीपी है ना। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2-1/2-1 इक्वल टू √2-1, तो ये कितना हो जाएगा √2-1 = √2-1। सर्वानुपात बराबर, इसका मतलब दी गई जो श्रेणी है ना वो क्या है, जीपी है। क्या है, जीपी है। और जीपी के हमको इन पदों का अगर योगफल निकालना है, कितने पदों का, इनफाइनाइट। आपने पढ़ा होगा कि एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होता है, a/(1-r) है ना। तो निकालना है यही हमको, ए कितना दिया गया है हमको, पहला पद दिया गया है √2+1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1-r। r कितना दिया गया है हमको, √2 और +1 हो जाएगा, √2-1 है तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा है ना, तो ये कितना आ गया है, अब ये आ गया √2+1/(1-r) r हमको मिल गया, √2-1 था ठीक है, तो -√2+1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैलकुलेट करने पे, देखिएगा ये आ जाएगा 2-√2 ठीक है। चलो अब यहाँ पे काम करते हैं, नीचे से हम 2 ले लेते हैं कॉमन, नीचे से 2 ले लें कॉमन, लीजिए कॉमन, तो ऊपर हो जाएगा √2+1/(, नीचे से √2 लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा √2-1। ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी भी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करिए, √2+1
और नीचे भी अंडर रूट टू प्लस वन से करिए मल्टीप्लाई, अब देखेंगे क्या आ जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट दो प्लस एक यानी कि दो प्लस एक तीन प्लस दो अंडर रूट दो बटे अंडर रूट दो गुड़े अंडर रूट दो, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो दो माइनस एक हो जाएगा यानी कि अंडर रूट दो बना रहेगा, है ना, बटे में लाएंगे इसको हम तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा दो प्लस तीन बटे अंडर रूट दो, है ना, दो प्लस तीन बटे अंडर रूट दो, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 27 का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना, 27 में सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28, 28 क्राइ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, है ना, जीपी का जो चौथा पद है तीसरा पद है वो क्या है 4 है, मतलब कि ए आर की पावर 2, है ना, थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ ए आर माइनस 1 यानी कि ए आर 3 माइनस 1, तो ए आर स्क्वायर की जो वैल्यू दी है हमको 4 दी है, क्या द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, हमें फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो फर्स्ट 5 टर्म कौन से हो जाएंगे, ए हो जाएगा इंटू ए आर हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ए आर की घात 3 हो जाएगा, ए आर की घात 4 हो जाएगा, हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, गुणा करना है, चलिए गुणा किया जाए, देखिए यहाँ पे पहले तो ए ए ए कितनी बार आ जाएगा 5 बार आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए आर की पावर ए की पावर 5, फिर आर की पावर में कितना हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 2 3 हो गए, 3 3 6 4 10, तो ये हो गया आर की पावर 10, तो इसे हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर की पावर में 5, और ए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4, 4 की पावर 5, तो 4 की पावर 5 का मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 का मतलब क्या होता है 1024, है ना, 2 की पावर 10 का मतलब 1024, तो 28 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 28 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन, कह रहा है कि 6 की पावर में दिया गया है हमको 1/2 1/4 1/8, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इनफाइनाइट टर्म्स तक ये हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है इनफाइनाइट टर्म्स तक हो रहा है, तो हमको निकालना है यहां पे इनफाइनाइट टर्म्स तक हमें क्या करना है, ये इनटू में है, ये सभी टर्म्स क्या है इनटू में है और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक लिखे गए हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 की पावर में, ये टर्म्स इनटू में है सभी गुणा में है, ठीक है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, है ना, कितना आ जाएगा ये 1/6, इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, ये कैसी सीरीज बन रही है, इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, एक काम करना चाहें, ये लिखा हुआ है 6 की पावर में 1/4 और बटे में आ जाएगा 6 की पावर में 1/2, ऊपर ले जाके इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर घटेगा तो 6 की पावर में आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2, यानी कि 6 की पावर में आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये 2/4 हो जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा, माइनस का 1/2 यहाँ पे निकाल के देख लिया जाए, ये आ जाएगा 6 की पावर में 1/8 माइनस 1/4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, दोनों को हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2/6 की पावर में ये 2/8 हो जाएगा और माइनस का 1/8 हो जाएगा, ठीक है, ये टर्म्स ना ये टर्म्स इनटू में ही लिखे गए हैं और हमको इसके इनफाइनाइट टर्म्स के कॉमा ना लग के वहाँ पे क्या होना चाहिए था, इनटू में लिखे गए हैं, ठीक है, किसमें लिखे गए हैं, गुणा में लिखे गए हैं, ये सभी टर्म्स गुणा में लिखे गए हैं, ध्यान से देखेंगे, अच्छा फिर क्या है 1/8 है लिख दिया हमने प्लस डॉट 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 कहाँ तक इनफाइनाइट तक, है ना, इनफाइनाइट तक ये काम हो रहा है, अच्छा तो ये इनफाइनाइट एक इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी हमारे पास, है ना, एक यहाँ पे अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी और अनंत गुणोत्तर श्रेणी के इन पदों का जो योगफल होता है वो क्या होता है a/r-1, तो इसको ले जाइए a को चुपचाप रहने दीजिए 1/2 वन माइनस 1/4 आर निकालो इसका 1/4/1/2 2 1/2 आ जाएगा, है ना, तो 1 माइनस का 1/2, तो ये आ जाएगा 6 की पावर में 1/2
और इसकी पावर बटे में आएगा एक बट्टा दो, दोनों को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, छह की घात एक, छह की घात एक की वैल्यू क्या होती है, छह होती है। तो 29 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 29 का ऑप्शन सही होगा ए, है ना, कौन सा सही होगा ए, 29 का ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलेगा 30 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इफ फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ जीपी इज 54 एंड ये दिया गया 13122, है ना। फोर्थ टर्म का मतलब क्या हो गया, ए आर की पावर 3 इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया हमारा 54 54, है ना। और उसके बाद कौन सा पद है दिया गया, अगला वाला कौन सा दिया, 9 9वां, तो ए आर की पावर 8 इक्वल टू दिया गया है 13 122। दोनों को डिवाइड कर लिया जाए, दोनों टर्म्स को हमने डिवाइड कर लिया, ए से ए कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/r^5, है ना, बराबर इसको भी काट लिया जाए 54 है ना, 9 से कट जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा, नीचे काटिए 9 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास, चाहे तो हम 2 से काट सकते हैं, पहले से 2 से काट लो कोई दिक्कत नहीं, पहले 2 से काटो, तो 2 से काटेंगे तो ये 27 आ जाएगा, नीचे काटेंगे 2 6 12 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, और ये 2 6 12 2 91 2, फिर आप इसे काट दीजिए 9 से, 9 3 27 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 26 हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 9 9 81। काटें 3 से, 3 91 3, और इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 3 91 3 सॉरी 3 2 6 3 4 12 3 3 9 243, यानी कि ये 1/ आ जाएगा 243। आर की पावर 5 इज इक्वल टू 243, आर की पावर 5 इज इक्वल टू इसे लिखा जा सकता है 3 की पावर 5, दोनों को कंपेरिजन करेंगे तो हमको आर बराबर 5 मिल जाएगा, आर बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमको 5 मिल जाएगा, आर का मान कितना आ जाएगा, 243 है ना, तो आर का मान कितना आएगा, आर का मान 5 नहीं आएगा, आर का मान ये वाला होगा, जब आधार बराबर होते हैं, जब घात बराबर होती है तो आधार बराबर हो जाते हैं, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 3, आर का मान आ गया 3, और हमको चाहिए ए का मान पहले निकाल लिया जाए, कह रहा देन इट्स सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म मतलब ए इंटू आर निकालना है हमको, है ना। चलिएगा देखिएगा, आपको ये ए आर क्यूब बराबर कितना दिया था, 54 दिया था, ए इंटू आर की जगह पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 27 बराबर कितना, 54, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 27 2 54 ए बराबर 2 आ जाएगा, तो हमको सेकेंड टर्म निकालना है इसका, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए इंटू आर, पहला ए, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, है ऐसे बनता जाता है, ए का मान 2, आर का मान 3, तो 3 2 कितने हो गए, 6, है ना। तो 30 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 में ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 6 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 मीन्स 31 में कह रहा है कि 3 5 7 ... अगर इनका आप योगफल n पदों तक किया जाए और नीचे वाली सीरीज का n पदों 10 पदों तक किया जाए तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है रेशियो की दोनों की वो 7 आ रही है। देखते हैं इसका n पदों तक योगफल निकाला जाए, तो इसका n पदों तक योगफल क्या हो जाएगा, n by 2 into 2a 3 2 6 plus n माइनस 1 इंटू डी 5 - 3 2 आ जाएगा बटे, इसमें कितने पद हैं, 10, तो ये आ गया 10/2 कितना हो गया 2a 5 2 10 प्लस 9d डी का मान कितना आ गया 3 बराबर में कितना आ गया 7। इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, काट दिया, इसके बाद ये आ गया n इंटू में आ गया, देखिए 6 हो जाएगा प्लस 2n माइनस का 2 आ जाएगा इक्वल टू इधर आ जाएगा 7 है 10 मल्टीप्लाई में जाएगा 9 3 27 27 और 10 हो जाएंगे 37 कितना हो जाएगा ये 37 हो जाएगा।
अच्छा, और ये हो गया हमारे 70, कितना हो गया भाई ये 70 हो गया है ना, 10 × 7 = 70 हो जाएगा, 10/2 था हमने उसे कर दिया, n/2 n/2 दोनों कैंसिल आउट हो गए है ना। आप समझिएगा थोड़ा सा इसे समझा जाए है ना, कितना हो गया ये 10 था हमारा है ना, n/2 10 टर्म्स हैं, ऐसे 10/2 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 ये हो गया, और 9 डी हो जाएगा हमारा 3। अच्छा अब इसके बाद समझिएगा ऊपर क्या लिखा हुआ है, अब ऊपर लिखा हुआ है 2, देखो ऊपर वाले से 2 पहले कॉमन ले लो, तो 2 लेंगे अगर हम कॉमन तो कितना आ जाएगा 2n × 6 में देखिए 2 घटेंगे 4 बचते, 2 निकल जाएंगे कॉमन, तो यहाँ पे बचने वाला है हमारा n+2 = है ना, ये 7 × 10 × 37 काट दिया जाए, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ये हो गया हमारा n, और ये n+2 = 7 × 5 = कितना 35, ये 35 हो गया, और 37 को भी हम लिख सकते हैं n+2 फॉर्म में, लिख दीजिए 2 को अलग कर दीजिए यहाँ से, तो देखिएगा अब n की जगह पे क्या है 35, दोनों जगह पे देखिए कंपेरिजन करेंगे तो n का मान कितना है 35, इधर लिखा हुआ है n × n+2 और इधर लिखा हुआ 35 × 35+2, तो n का मान कितना हो गया 35 हो गया, यानी कि 31 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 31 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32, कह रहा है इफ पी एथ क्यू एथ और आर एथ टर्म ऑफ जीपी बी ए बी सी, तो पी क्यू आर है ना, पीवा पद क्यूवा पद और आरवा पद जो है वो क्या है, वो दिए गए हमको ए बी सी, चलिए हम एक सीरीज ले रहे हैं, ए बी सी किस में होना चाहिए, जीपी में होना चाहिए, तो हम इसको 2 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 4 और इसको ले लेते हैं 2³ यानी 8, ठीक है, हमने क्रम से ले लिया पद और मान लिया कि ये हमारा पहला पद है, कौन सा पद है पहला पद है, तो यानी कि पी पी एथ टर्म क्या हो गया पहला पद, क्यू एथ टर्म क्या हो गया दूसरा पद, और आर एथ टर्म क्या हो गया तीसरा पद हो गया है ना, सारी वैल्यूज हमारे सामने आ चुकी हैं, हमने मान लिया है कि जीपी के पद ले लिए हमने 2, 4, 8, जिसमें से जो पी एथ टर्म है वो 2 है, क्यू एथ टर्म जो है वो 4 है, और आर एथ टर्म है जो वो 8 है, कहने का मतलब पी एथ मतलब पहला हो गया ना, क्यू एथ मतलब दूसरा हो गया, आर एथ मतलब तीसरा हो गया, ये सब पद मिल गए, सारी वैल्यू उठा के यहां पे रख दिया जाए, क्या लिखा है a × q − r है ना, तो ये a की पावर में आ जाएगा कितना q − r, और बी की पावर में आ जाएगा r − p, और सी की पावर में आ जाएगा p − q, आते हैं ए की जगह पे रख दीजिए वैल्यू सब रखा जाए, धीरे धीरे जो भी आएगा देखा जाएगा, बी का वैल्यू आ रहा है कितना, ए का वैल्यू आ रहा है 2, 2 रख दीजिए, तो 2 की पावर में कितना हो जाएगा q − r, q − r मतलब 2 − 3 यानी कि −1 आ जाएगा, फिर कितना है बी, बी का मान कितना है 2^2, इसकी पावर में कितना है r − p, 3 − 1 यानी कि 2 आ जाएगा। अच्छा फिर है सी, सी का मतलब कितना हो गया 8, 8 का मतलब 2^3 की पावर में कितना दिया गया है p − q, यानी कि ये −1 हो जाएगा। अब आते हैं ये आ गया 2^−1 × 2^4, ये 4 हो जाएगा पावर ऑफ पावर की सिचुएशन में, और ये 2^−3 सबको जोड़ लिया जाए तो 2^−4 और ये +4 हो जाएगा 2^0, और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि 32 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 32 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड, अच्छा इसी के इक्वल एक काम करिए मान लीजिए के है ना, ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड इक्वल टू हमने के ले लिया के, अब क्या करिए दोनों सब में लॉग ले लीजिए, सभी में लॉग लीजिए, तो ये हो जाएगा x log a बराबर y log b बराबर z log c बराबर log k, बात समझ में आई है ना,
हमने क्या माना कि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z बराबर k, दोनों तरफ हमने log ले लिया। और log लेने के बाद अब देखिएगा, यहां से हम x बराबर निकालेंगे, कितना निकालेंगे x बराबर, तो आप ना पहला और ये log k वाला ले लीजिए, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, log k बटा a। इसी तरह से दूसरा अनुपात और log k वाला अनुपात बराबर करिए, तो y बराबर हमको मिलेगा log k बटे log b, यहां पे कितना हो गया log a, log a। और इसी तरह से हमको z बराबर मिल जाएगा log k बटे log c, log k बटे log c। अच्छा अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, x कॉमा वाई कॉमा जेड आर इन जीपी है ना, x कॉमा वाई कॉमा जेड डॉट 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 किस में है, ये जीपी में है, इट मीन्स वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड होगा, है ना। तो वाई स्क्वायर कर दीजिए, वाई स्क्वायर मतलब कि ये हो गया हमारा log k का स्क्वायर बटे log b, log b का भी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स जेड, यानी कि ऊपर हो गया log k बटे में log a इंटू log k बटे में आ गया log b। इन दोनों को करेंगे तो वर्ग वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। अच्छा अब देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है हमें, ये log c आएगा ना, जेड में है log c, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इस log a को यहाँ ले लीजिए, ये आ जाएगा log a बटा स्क्वायर, है ना, एक पावर कम कर दीजिए, एक यहाँ रखिए और एक को आप यहाँ रख लीजिए, इधर आ जाएगा ये log b और log c, है ना। कन्वर्ट कर लीजिए log a बटा b को, आप क्या लिख सकते हैं, log a बेस b, और इसे आप लिख सकते हैं log b बेस c, है ना। तो ये आ गया, ये रिलेशन आएगा, log a बेस b इक्वल टू आ जाएगा log b बेस c। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, 33 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। 34 में हमसे कह रहा है कि इफ h बी द हार्मोनिक मीन वेट बीन p एंड q, है ना, जो h है हमारा, h वो हार्मोनिक मीन है p और q के बीच में, कहने का मतलब h इक्वल टू आ जाएगा 2pq प्लस 2pq बटे p प्लस q, ये हार्मोनिक मीन हो गया। अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए h बाई पी, तो यहाँ से निकाल लीजिए h बाई पी, इस वाले p को बटे में ले आओ, h बाई पी इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2q बटे p प्लस q, है ना, p प्लस q। अच्छा तो ये निकालिए h बाई पी प्लस p बाई h इक्वल टू, यहाँ पे आप h बाई पी की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी 2q बटे में p प्लस q, और p बाई h की वैल्यू रखेंगे तो पलट जाएगा ये p प्लस q बटे 2q, है ना। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम में आएगा कितना हमारा 2q इंटू पी प्लस q, ऊपर हो जाएगा p प्लस q का होल स्क्वायर, ऊपर बनेगा p, ये 2q का तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4q स्क्वायर, और ऊपर बन जाएगा ये p प्लस q का होल स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, है ना। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर ये हैं, 1q स्क्वायर ये हैं, तो ये आ जाएगा 5q स्क्वायर धन 2pq बटे 2q इंटू p प्लस q। अब इससे ज़्यादा इसे हल नहीं किया जा सकता, है ना, यानी कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो सही हो, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो सही हो। तो भाई कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, 34 में डी ऑप्शन के साथ जाएंगे कि डी इज क्या है, करेक्ट आंसर, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीरीज 2/9 माइनस 1/3 प्लस 1/2 माइनस डॉट डॉट मस्ट बी टेकन टू मेक द सम, कह रहा इसका सम 55/72 आए तो कितने टर्म लिए जाएं। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या ये एपी है, जीपी है, क्या है, हमको जीपी की संभावना ज़्यादा लगी है तो हम पहले जीपी को चेक करेंगे। तो
तो देखते हैं यहाँ पे, माइनस एक बट्टा तीन बटे में आ जाएगा दो बट्टा नौ, तीन एकन्नम तीन, तीन त्रिक का नौ, तो ये कितना आ गया माइनस का तीन बटा दो। दूसरा क्या हो जाएगा, एक बटा दो बटे माइनस एक बटा तीन, और ये भी बन जाएगा माइनस का तीन बटा दो। सार्वांतर सार्वानुपात बराबर है, कॉमन रेशियो इक्वल है, इसलिए यह क्या होगा जीपी होगी। क्या होगी जीपी होगी। तो हमको जीपी के कुछ पद लेने हैं जिनका योग कितना आ जाए पचपन बटे बहत्तर। ठीक है, हम एन का मान लेते हैं कि एन टर्म्स का जो सम होगा वो पचपन बटे बहत्तर होगा, वही लेके चला जाए। देखिएगा एस एन इक्वल टू कितना पचपन बटा बहत्तर, पचपन बटा बहत्तर तो कितना हो गया एन बाई टू, एन बाई टू इंटू टू ए। देखिए टू ए करेंगे हम यहाँ पे, अरे जीपी है ना तो जीपी वाला सूत्र लगाएंगे। जीपी का सूत्र क्या होता है ए, यानी कि दो बटे नौ इंटू है ना वन माइनस आर, आर का मान कितना है, आर का मान है माइनस का तीन बटा दो और इसकी पावर में एन है ना, इसकी पावर में कितना एन, वन माइनस आर की पावर में एन बटे वन माइनस आर, तो ये वन प्लस तीन बटे दो हो जाएगा, बराबर कितना आ गया पचपन बटा बहत्तर है ना, पचपन बटा बहत्तर। चलिएगा कैलकुलेट करते हैं इसको, ये आ जाएगा दो बटा नौ, दो बटा नौ गुड़े ये कितना हो गया, देखिएगा एलसीएम लेंगे तीन दो पाँच बटा दो, यानी कि दो बटा पाँच, दो बटा पाँच इंटू में आ जाएगा वन माइनस माइनस तीन बटे दो की पावर पाँच इक्वल टू पचपन बटे बहत्तर। नौ से काट दीजिए इसको, नौ इकन्नम नौ, नौ अठी बहत्तर है ना। अच्छा फिर क्या करिए, ये कितना हो गया हमारा पास, ये हो गया हमारे पास दो दूनी चार बटे पाँच, और इस चार बटे पाँच को इधर लाएंगे तो पाँच बटे चार हो जाएगा है ना, यानी कि गुणा हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पे, वन माइनस माइनस तीन बटे दो की पावर में कितना है एन, इसकी पावर में एन है इक्वल टू, तो ये आ गया पचपन और इस पाँच का ऊपर हो जाएगा गुणा, और नीचे आ जाएगा आठ के साथ इसका गुणा, आठ चौक कितना हो जाएगा बत्तीस हो जाएगा है ना, कितना हो जाएगा ये बत्तीस हो जाएगा। तो पचपन गुणे पाँच करेंगे ये आ जाएगा पाँच पच्चीस पच्चीस ढाई सौ, और पच्चीस दो सौ पचहत्तर, ठीक है कितना हो गया ये दो सौ पचहत्तर, तो ये आ गया वन माइनस का दो सौ पचहत्तर बटे में बत्तीस बराबर माइनस तीन बटे दो की पावर एन, माइनस तीन बटे दो की पावर में कितना एन, दोनों को घटा देंगे दो सौ पचहत्तर में बत्तीस आप घटाएंगे दो सौ तैंतालीस बचेगा, माइनस का दो सौ तैंतालीस बटे बत्तीस बराबर हो जाएगा इधर माइनस का तीन बटे दो की पावर में एन। अब इसे बना लीजिए, आराम से बन जाएगा ये, देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ऊपर दो सौ तैंतालीस लिखा है ना, इसका मतलब ये लिखा है तीन की पावर पाँच, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस तीन बटा दो की पावर पाँच बराबर माइनस तीन बटे दो की पावर एन, बेस बराबर है इसलिए पावर दोनों इक्वल हो जाएंगी, यानी कि n बराबर हमको ये पाँच दे देगा, क्या देगा n बराबर पाँच, यानी कि पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए पाँच होनी चाहिए। तो 35 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 हमसे कह रहा है कि इफ पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर ये क्या है जीपी में दिए गए टर्म्स हैं, तो कह रहा है पी क्यू आर किस में होंगे, तो चलिए अगर ये जीपी में है तो इस वाले का वर्ग है ना, अगर ये जीपी में है इट मींस क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर का जो वर्ग होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका वर्ग ओपन किया जाए है ना, ओपन किया जाए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस टू पी क्यू की घात दो आर बराबर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस प्लस
आर स्क्वायर पी स्क्वायर गुणा कर रहे हैं अब, और ये आ जाएगा साहब क्यू की घात चार प्लस क्यू की घात दो आर की घात दो, है ना, काट दीजिए जो कटे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें क्या करना है, दो दो पद एक साथ कर लीजिए, ये लिखा हुआ है ना दो पी क्यू आर, है ना। एक काम करते हैं हम, पहले एक बार इसे अलग कर लेते हैं, पी क्यू स्क्वायर आर दो पद है ना, एक अलग कर लीजिए, माइनस आर की घात के तार स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आ जाएगा ये क्यू की पावर फोर है ना, क्यू की पावर फोर को रहने दीजिए, माइनस का आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर आर, एक पद हमने इधर रख दिया एक इधर रख दिया, इनमें जो कॉमन है उसे कॉमन ले लिया जाए, लीजिएगा कॉमन, तो भाई इसमें पी आर कॉमन आएगा, पी आर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्यू स्क्वायर बचेगा और माइनस का, यहाँ पे तो क्यू स्क्वायर बचा और माइनस का पी आर बचेगा यहाँ पे, है ना, एक एक निकल गया एक पी बचा, बराबर में आइए, यहाँ क्यू स्क्वायर कॉमन लीजिए तो ये क्यू स्क्वायर माइनस पी आर बचेगा, सबको इधर उठा लीजिए तो यहाँ पे आपको क्यू स्क्वायर माइनस पी आर ऑप्शन में एक कॉमन मिल जाएगा, और दूसरा हो जाएगा हमारा पी आर माइनस का क्यू स्क्वायर, है ना, एक हो गया हमारा क्यू स्क्वायर माइनस पी आर, दूसरा क्या हो जाएगा पी आर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखा जाए तो ये सूत्र भी बन रहा था, है ना, किसका सूत्र बन रहा था, ये हमारा सूत्र बन रहा था q माइनस आर पी का होल स्क्वायर बन रहा था, है ना, अगर इसको उधर ले जाते, ठीक है, एक फैक्टर दोनों फैक्टर को अलग अलग जीरो कर दीजिए, तो q स्क्वायर बराबर हो गया पी आर, क्यू स्क्वायर माइनस पी आर इक्वल टू जीरो आ जाएगा, फैक्टर जीरो में लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी आर, इसका मतलब क्या हो गया कि पी क्यू आर किस में है, जी पी में दिए गए हैं, किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 36 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। कह रहा है इफ ए एम एंड जी एम आर टू नंबर, हम यहाँ पे दो नंबर ले रहे हैं, एक नंबर ले लीजिए, ऐसा नंबर लीजिए जिसका जी एम आसानी से निकाला जा सके, है ना, तो हमने ले लिया 8 और एक ले लिया 2, देखिए 8 दूनी 16, इसका जी एम आराम से अंडर रूट निकाला जा सकता है, तो इसका ए एम निकालो, ए एम भी ऐसे निकालेंगे कि बटे दो करें वो कट जाए, ऐसा ना हो कि आप कोई विषम संख्या ले लें फिर प्रॉब्लम हो दशमलव में आ जाए, तो ए एम निकालिए, इसका जो ए एम आएगा वो कितना आ जाएगा 8 प्लस 2 बटा कितना आ जाएगा 2, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा 8 2 10, यानी कि ए एम इसका आ गया 5, है ना, ए एम कितना आ गया 5, जी एम निकाल दिया जाए, जी एम तो जी एम कितना आ जाएगा, जी एम आ जाएगा अंडर रूट 8 × 2 मतलब 16 यानी कि 4, तो कह रहा है ए एम और जी एम का जो रेशियो है वो एम रेशियो एन है, है ना, तो ए एम रेशियो जी एम जो है वो एम रेशियो एन है, तो ए एम कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 4, तो 5:4 बराबर एम रेशियो एन। अच्छा, यानी कि m का मान हम 5 रख सकते हैं और n का मान 4 रख सकते हैं, और जहां पे हमको द नंबर, इन नंबर्स का रेशियो निकालिए, दोनों नंबर्स का रेशियो आ जाएगा 8:2 यानी कि 4:1, यानी कि जो ऑप्शन, जो विकल्प हमको क्या दे देगा, जो विकल्प हमको 4:1 दे देगा वही करेक्ट आंसर होगा, जबकि m का मान 5 निकाल लिया है और n का मान हमने 4 निकाला है। आइए यहाँ पे करते हैं, देखिएगा m का मान बड़ा है तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन नहीं लेंगे और ये ऑप्शन भी नहीं लेंगे, ठीक है भाई, देखो क्योंकि माइनस में बचेगा ना, यहाँ पे माइनस में बचेगा, m का मान तो हमने बड़ा निकाला है, ठीक है, चलिएगा आते हैं इसके साथ 37 का सी ऑप्शन के साथ आइएगा, m का वैल्यू रखिए, m का मान कितना है 5 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अनुपाते 5 माइनस अंडर रूट के अंदर आ गया 25 माइनस 16 ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 25 में 16 गए 9 यानी कि ये 3 आ जाएगा अनुपाते 5 माइनस 3 है ना ये कितना हो जाएगा 8:2 का मतलब 4:1
यानी कि सी वाला ऑप्शन देखिए, वही नंबर का रेशियो वही सेम दे रहा है, जो यहाँ पे 4:1 आया इसका मतलब ऑप्शन मैच कर रहा है। 37 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे कह रहा है कि एपी में है, ये सभी एपी में है, तो ए और बी की जगह पे कौन से टर्म्स आएंगे, है ना, कौन से पद आएंगे। देखिएगा, हम सबको रख के देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 18 पहले ये वाला ट्राई कर लो, 11 रख लो, फिर इसके बाद माइनस का 4 रख लो, माइनस का 3, देखिए ये एपी है कि नहीं। 11 में 18 गए तो कितना बचा हमारे पास, माइनस का 7, और इनको हमने घटा दिया, माइनस का 4 माइनस का 11, है ना, तो ये तो माइनस के 15 हो गए, अलग आ गया, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा वाला ट्राई किया जाए, सेकंड वाला ऑप्शन ट्राई किया जाए, कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, और ये माइनस का 3 आ जाएगा। इन दोनों को घटाया जाए, माइनस के 11 और माइनस के 18, ये तो हो जाएंगे माइनस के 29, तो इनको घटा लिया जाए, 4 माइनस 11 ये तो 15 आ जाएंगे, ये तो अलग अलग हो गया, मतलब बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब सी वाले ऑप्शन के साथ 18, फिर इसके बाद 11, बी का मान है 4 और फिर है माइनस 3, इन दोनों को घटाएंगे, 11 माइनस 18 करेंगे तो माइनस का 7 आएगा, इन दोनों को घटाएंगे, 4 माइनस 11 माइनस का 7 आएगा, फिर आप इन दोनों को घटाइए, माइनस 3 माइनस 4 ये भी माइनस 7 आएगा, सर्वानुपात बराबर है, इसका मतलब जो सी वाला विकल्प है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, और ये पद जो हैं वो क्या होंगे, एपी में होंगे, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि द सेकेंड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एपी, अच्छा कह रहा है द सेकेंड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी आर 2, द सेकेंड एंड सेवेंथ, सेकेंड मतलब दूसरा, अच्छा दूसरा का मतलब क्या हो गया, एपी है ना, तो ए प्लस डी, वो कितना दिया गया हमको, 2 दिया गया है, और सातवां 22 दिया गया है, यानी कि ए प्लस 6 डी बराबर कितना, 22, ठीक है, काट दिया जाए माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस के 5 डी बराबर माइनस के 20, यानी कि डी बराबर आ गया 4, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, डी की जगह पर 4 रखो तो ए बराबर आपको माइनस का 2 मिल जाएगा, है ना, डी का मान भी मिल गया और ए का मान भी मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, इसके 35 प्रथम 35 पदों का योग निकालना है, क्या करना है, इसके प्रथम 35 पदों का योग निकालना है, तो कितना हो जाएगा ये, 35 बट्टे 2, 2 ए तो माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस 35 माइनस 1 यानी कि आ जाएगा 34, और डी का मान आ जाएगा 4, ये आ गया 35 बटे 2 माइनस का 4, प्लस 4 चौक 16, 16 किया गया 6, यहाँ से लाएँ 1, 4 तीन 12, 1 13, है ना, कितना हो गया ये, माइनस का हो गया हमारे पास, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं इसे, एक और काम किया जा सकता था, इसे हम छोटा कर सकते थे, अगर हम 2 से भाग देते हैं, 2 ऊपर अंदर से 2 कॉमन ले लो पहले, तो ये आ जाएगा 35, 2 कॉमन लेंगे ना तो ये नीचे वाला 2 कट जाएगा, और ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा, 68, है ना, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 68 हो जाएगा, 68 में 2 घटेंगे 66 बचेगा, 35 गुणे 66 करेंगे, 35 और 66 का गुणा करेंगे तो 2310 आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 39 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, कह रहा है कि 1+6 प्लस इतना दिया गया है 148, तो पहले इसमें पदों की संख्या निकाल लीजिए, अंतिम पद क्या दिया गया है, एपी ही है हमारी, 5 का अंतर है, एपी है, समांतर श्रेणी दी गई है, तो भाई अंतिम पद एल बराबर आपने पढ़ा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पहले पदों की संख्या निकालिए तब पता चलेगा कि बराबर में अगर इनको जोड़ने पे 148 आ रहा है तो x का मान क्या होगा, n निकालिए पहले, पदों की संख्या यहाँ पे n निकाला जाए, देखते हैं, बहुत ही बढ़िया,
निकालते हैं एन का मान। अंतिम पद क्या दिया हमको, एक्स दिया है, एक्स रख दिया हमने बराबर ए, हमारा एक है प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है पाँच, तो ये कितना आ गया एक्स इक्वल टू आ जाएगा वन प्लस पाँच एन माइनस का पाँच, घटा दो माइनस का चार बचेगा, इसके साथ जोड़ देंगे तो x प्लस फोर बटे पाँच बराबर आ जाएगा n, है ना, x प्लस फोर बटे पाँच बराबर n, ये मिल गया n का मान हमको मिल गया। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं कि वो जोड़ने पे कितना आ रहा है, हम मान लेते हैं कि इसके n पदों को जब जोड़ा गया होगा तो 148 आया होगा, n बाई टू तो n बटे दो, है ना, n बटे दो n का मान रखा हुआ है, कितना है x प्लस फोर, एन का मान कितना है x प्लस फोर, तो ये हो गया x प्लस फोर बटे पाँच है, अगुणे दो, दो सूत्र में होता है तो पाँच गुणे दो हो जाएगा, इंटू टू ए तो ये दो गुणे एक यानी कि दो हो जाएगा, प्लस n माइनस वन, एन माइनस वन, अरे a प्लस एल कर दीजिए ना, a प्लस एल, a कितना है एक और l कितना है x, बराबर कितना आ जाएगा 148। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे ये आ जाएगा x प्लस एक, एक ब्रैकेट में, और x प्लस चार दूसरे ब्रैकेट में, बराबर में आइए, ये आ गया पाँच गुणे दो, कितना आ गया पाँच गुणे दो, और इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, दो से कट काट दीजिए, दो सत्ते चौदह, है ना, दो सत्ते चौदह हो जाएगा, दो चौको आठ हो जाएगा, एक दो आ गया, मतलब 148 को हम 74 गुणे दो लिख सकते हैं। इसको फिर से तोड़िए, ये आ जाएगा पाँच गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे 37 आ जाएगा, है ना, आ गया। इसके बाद देखिएगा पाँच दूनी दस, दस दूनी बीस, बीस दूनी चालीस, कितना आ गया ये 40, और ये क्या आ गया 37। इनको थोड़ा सा तोड़िए, है ना, इनको तोड़िए, शायद यहीं से मिल जाए हमको, फैक्टर करिए इसके। देखिए अगर हम इसको लिख दें क्या 36 प्लस 4 तो ये 40 बन जाएगा, और इसको लिख दें हम 36 प्लस 1, है ना, 36 प्लस 1 और 36 प्लस 4 हमने इसको लिख दिया, तो हम देख रहे हैं ना x की जगह पे, देखिए यहाँ पे x की जगह पे 36 है, 36 प्लस 1 और यहाँ भी है 36 प्लस 4, तो x का मान कितना आ गया भैया 36 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा ना, 40 का जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41, 41, शानदार, देखते हैं। 41 हमसे कह रहा है कि इफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन बी क्वाड्रेटिक, देखते हैं, कह रहा है इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन क्वाड्रेटिक इन एन देन इट इज, क्या होगा, क्वाड्रेटिक दी गई है, तो मान लीजिए कि भाई इसके n पदों का जो योगफल है वो कह रहा है क्वाड्रेटिक है, तो आप n निकाल लो, n मान लीजिए कि वो n स्क्वायर प्लस n है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हो गया, तो हमसे कह रहा है कि वो सीरीज कौन सी होगी, हमने एक सीरीज ले लिया है जिसमें क्वाड्रेटिक दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म्स का जो प्रोग्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n, मतलब कि n की घातों में यह एक द्विघात है ना, द्विघात पदों का योग क्या है, द्विघात दिया गया है, द्विघात समीकरण हो गया है, चलेगा, द्विघात व्यंजक हो गया। अब हमको पहले सीरीज निकालनी है, पहले आप वन रख दो यहाँ पे, वन रखो तो कितना आ जाएगा, ये दो आ जाएगा, टू रख दीजिए जहाँ पे एन है तो ये आ जाएगा दो की पावर दो प्लस दो, बराबर में कितना आ जाएगा चार दो छः आ जाएगा, थ्री रख दीजिए, थ्री रखेंगे तो 9 प्लस 3 यानी कि 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप पहला पद निकालिए T1, देखिए जो पहला पद होगा वो S1 के बराबर होगा 2, फिर आप निकालो T2, T2 बराबर हो जाएगा S2 माइनस S1 यानी कि 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, T3 बराबर कितना हो जाएगा S3 माइनस S2 यानी कि 12 माइनस 6 कितना आ गया 6, मतलब जो श्रेणी बन रही ना वो क्या बन रही 2 फिर 4 फिर 6 डॉट 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 डॉट, और ये कौन सी सीरीज है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि कभी भी अगर ना पदों का योग जो है हमको
एन की घातों में क्वाड्रेटिक दिया जाएगा, द्विघात समीक द्विघात बन के आएगा, द्विघात व्यंजक बन के आएगा, तो वो जो सीरीज होगी यानी कि जिसका एन पदों का योगफल लिखा गया है वो क्या होगी, हमारी एपी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, है ना। 42 कह रहा है इफ एस वन एस टू एस थ्री बी द सम ऑफ एन कॉमा टू एन कॉमा थ्री एन। अच्छा, इतने पदों के ये योग हैं, एक काम करो, यहाँ पे n दिया गया है और क्या दिया गया है, 2n दिया गया है और क्या दिया गया है, 3n दिया गया है, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, पुट करो यहाँ पे, आप n की जगह पे एक पुट कर दो, n की जगह पे एक पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3, तो ये हमको मिल गया s1, है ना, यही तो है s1, और ये क्या है S2, और ये क्या है S3, है ना, सब वैल्यू मिल गई, अब उठा के यहाँ रख दीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, हमने निकाल लिया कि भाई n पदों का योगफल, n का मान हमने कुछ रख दिया, तो पता चला कि 1 2 3 आ गया, यानी कि एक पद को जोड़ने पे एक आ रहा है, दो पदों को जोड़ने पे दो आ रहा है, तीन पदों को जोड़ने पे तीन आ रहा है, यानी कि सीरीज हमारी इस तरह से बन गई। अच्छा, तीन पदों का योग, अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, ये कह रहे हैं कि S2 माइनस एस वन इक्वल टू है के एस थ्री, कोई बात नहीं, एस टू कितना दिया गया है 2 माइनस 1 बराबर के इंटू एस थ्री का मान दिया गया है 3, 2 में 1 गए 1 बराबर 3 के, तो के बराबर कितना आ जाएगा 1/3, के बराबर कितना आ गया 1/3, तो 42 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 42 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्राइप सम ऑफ पी पदों का योगफल इज सेम एज क्यू टर्म्स का योगफल। अच्छा, कह रहा है कि कोई श्रेणी है हमारे पास, ठीक है, द सम ऑफ पी एथ टर्म इज सेम एज क्यू एथ टर्म, है ना, यहां लिखना चाहिए था इफ द सम ऑफ एपी, ये एपी के पी पदों का योगफल है ना, मतलब कहने का कि एस पी बराबर एस क्यू, है ना, इफ द सम ऑफ किसका, इफ द सम ऑफ पी एथ टर्म इज सेम एज द सम ऑफ क्यू एथ टर्म ऑफ ए पी, है ना, ऑफ ए पी, देन द सम ऑफ क्यू एथ टर्म्स पी प्लस क्यू एथ टर्म, है ना, चलेगा। कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी के पी पदों का योग क्यू पदों के योग के बराबर है तो हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, पी प्लस क्यू पदों की। निकालिए भाई, सूत्र क्या रखते हैं हम, पी बाई टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू, ये हो जाएगा की बाई क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस में आ जाएगा q माइनस वन इंटू डी, दो से तो दो कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए बाकी, तो ये आ जाएगा 2ap, है ना, 2ap आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, ये d को चुपचाप रहने दीजिए, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p, और ये हो जाएगा 2aq प्लस q स्क्वायर माइनस का q इंटू डी। अच्छा, अब ले आओ इसको इधर, 2a ले लो कॉमन, 2a लेंगे कॉमन तो p माइनस का q हो जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा, ये d लीजिए कॉमन इधर, तो ये आ जाएगा कितना, q स्क्वायर माइनस का q, और इधर आएगा ये तो माइनस का p स्क्वायर प्लस का p हो जाएगा, है ना। निकालते हैं यहाँ से, कॉमन लीजिए, थोड़ा सा कुछ जुगाड़ लगाइए, हो जाएगा आराम से। देखिएगा, एक काम करते हैं, यहाँ पे डी को रहने दिया जाए चुपचाप, ये तो पी माइनस क्यू हो गया, पी माइनस क्यू, और माइनस इससे माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो इसे लिखा जा सकता पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और इसका मतलब एक ब्रैकेट में पी प्लस क्यू हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में पी माइनस क्यू हो जाएगा, है ना, पी माइनस क्यू दोनों तरफ से कॉमन लेके काट दिया जाए तो यहाँ से हमको मिलने वाला है क्या, यहाँ से मिलेगा कितना, 2a मिलेगा, p माइनस क्यू कट गया दोनों तरफ से बराबर, d को चुपचाप रहने दिया जाए, ये हो जाएगा 1 माइनस p माइनस q, है ना, ये हमको d का मान मिल गया,
अच्छा, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें और माइनस जो कॉमन लें उसे इधर दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस टू ए इक्वल टू कितना, पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, है ना, बराबर टू ए आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस श्रेणी के p प्लस क्यू पदों का योगफल, p प्लस क्यू पदों का योगफल, तो कितना आ जाएगा, p प्लस क्यू बटा दो इंटू टू ए, तो टू ए हो गया प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो देखिए इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, माइनस का टू ए उठा के रख दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, p प्लस क्यू बटा दो, ये 2a और ये माइनस का 2a दोनों कैंसिल होंगे, जीरो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो 43 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 43 का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्या इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, अच्छा यहां पे हमसे कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स, है ना, फर्स्ट सेवन सात टर्म, सेवन टर्म्स कह रहा है कि इफ द सम ऑफ, यहां पे हमसे क्वेश्चन में कह जा रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट कितने पदों का योगफल, फर्स्ट सात पदों का योगफल, सेवन लिख दीजिए, ठीक है, कह रहा है श्रेणी के प्रथम सात पदों का जो योगफल है वो कितना है, 10 है, यानी कि S7 सेवन इज इक्वल टू कितना हो गया, 10, रख दीजिए, 7 बटा 2 इंटू टू ए, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 6d हो जाएगा, 6d बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन लीजिए, दो कॉमन लेंगे आ जाएगा 7 इंटू ए प्लस 3d इक्वल टू 10, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू कितना, 10 बटे 7, है ना, 10 बटे 7 आ जाएगा। चलिए गए 10 बटे 7 हो गया, यानी कि a प्लस 3d बराबर कितना हो गया, 10 बटे 7 मिल गया हमको, पहली इक्वेशन हो गई ये। अच्छा दैट, फिर हमसे कह रहा है कि इसके अगले सात पदों का योगफल जो है वो 27 है, है ना, दैट ऑफ नेक्स्ट सेवन टर्म्स इज, इसके अगले सात पदों का योगफल, इसके अगले सात पदों का जो योगफल है वो 27 है। अच्छा तो हमें क्या करना है, अगले सात पदों का योगफल हम ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अगले सात का मतलब टोटल 14 पद, ये टोटल 14 पद हो गए, है ना, कितने पद हो गए, 14 पद हो गए, तो इसके अगले कह रहा है कि द नेक्स्ट सेवन टर्म्स इज 27, मतलब अगले सात पदों का जो योग है वो कितना है, 27, तो इससे पहले वाले 10 घटा दिए जाएं, तो कितना आ जाएगा ये, 27 माइनस 10, भाई पदों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, अब हमारे पास 14 पद हो गए, तो इसके 14 पद हो गए, है ना, इसके 14 पद हो गए, तो आगे वाले भी भाई पिछले ये भी जोड़ लिए जाएं, इसी में जोड़ लिए जाएं, तो ये 37 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, है ना, अगले सात पदों का योगफल 27 है, मतलब सिर्फ अगले सात पदों का योगफल इन्होंने दिया है हमको, है ना, तो ये कहाँ तक, S7 तक निकाल लिए थे हम, अगले सात पदों का योगफल का मतलब टोटल 14 थे, तो 14 में क्या हो जाएगा, 14 में हो जाएगा, एक काम करते हैं, अगले सात पदों का योगफल अगर हम टोटल ले लें, टोटल कितने थे हमारे पास, 14 पद हो गए, माइनस घटा देते हैं इसमें सात पदों का योगफल, तो बराबर कितना आ रहा है, कह रहा है कि अगर जब इनको घटा देते हैं तो वो 7 आ रहा है, 27 आ रहा है, कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, ठीक है, तो एस 14 बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 27 प्लस एस 7 यानी कि 10, 37 हो जाएगा, 14 का मान रख दिया जाए, कितना हो जाएगा, 14 बटे 2 इंटू 2a प्लस 13d इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
दस काट दिया जाए इसको, दो दो सत्ते हो जाएगा 14, है ना, और इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 37। कितना आ गया? 37, यानी कि 2a प्लस 13d बराबर में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 37 बटे 7। इसमें दो से गुणा कर दीजिए तो इक्वेशन कितनी आ जाएगी, 2a धन 6d बराबर 20 बटे 7। और ये वाली इक्वेशन क्या है हमारी, 2a प्लस 13d बराबर में 37 बटे 7। घटा लिया जाए, माइनस माइनस, 6d में 13d घटेंगी कितनी आ जाएंगी, 7d आ जाएंगी, वो भी माइनस की, है ना। अच्छा, इनको घटा लेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, 17 आ जाएंगे, है ना, हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए। कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 37 बटा 7 माइनस 20 बटा 7, यानी कि ये आ गया 17 बटे 7, है ना, ये माइनस का आ जाएगा ना, ये वाला माइनस का होगा, ये वाला प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 17 बटे 7 हो जाएंगे, तो डी बराबर आ जाएंगे 17 बटे 49, है ना। कितना आएगा, 17 बटे 49, जो कि कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं सही था, यानी कि क्या होना चाहिए था, इसमें नन ऑफ द अबव होना चाहिए था, है ना। अगर मान लो ये ऑप्शन नन होता तो 44 में डी ऑप्शन को हम करेक्ट कर देते, है ना। क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 10, है ना, प्रथम मतलब कि इसके प्रथम 7 पदों का जो योगफल है वो 10 है, ठीक है, पहले 7 का 10 हो गया और अगले 7 का 27 है, तो हमने क्या किया, अगले मतलब टोटल हमने 14 टर्म ले लिए, टोटल 14 टर्म हो गए हमारे, तो 14 टर्म में हमने पहले 7 घटा दिए, तो घटाने पे कितना बच रहा है, 27 बच रहा है ना। तो फिर क्या किया, हमें पता है कि S7 कितना दिया गया, 10 दिया गया है, तो बटे उधर हो जाएगा माइनस का 10, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 37 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो डी का मान 17 बटे 49 आना चाहिए था, ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके एन पदों का जो योगफल है वो कितना दिया गया, इतना दिया गया है, तो हमसे कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म, है ना, उनके 11th टर्म का रेशियो क्या होगा ये हमको बताना है। अच्छा चलिए, एन पद हैं ले लिया जाए तो ये आ जाएगा n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 बटे, कितना हो जाएगा ये n/2 इंटू 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इक्वल टू, इसमें हमको अनुपात दिया गया है 7n+1 बटे में 4n+27, काट दिया जाए जो कट रहा है, n/2 से n/2 काट दिया जाए। अच्छा फिर कितना हो गया, ये ऊपर से 2 कॉमन लेके काट दिया जाए तो ये बन जाएगा कितना, a1 प्लस n-1 n/2 हो जाएगा बटा d1 डिवाइडेड बाई आ जाएगा a2 प्लस n-1/2, है ना, d2 इक्वल टू वही आ जाएगा हमारा 7n+1 बटे 4n+27। अब मेरी बात सुनिएगा, वो क्या कह रहा है, 11th टर्म होना चाहिए, 11वें पदों का अनुपात हमको निकालना है। 11वां पद क्या होता है, t11 क्या होता है, a+10d, यानी कि जो ये d के साथ गुणांक है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, ये क्या हो जाना चाहिए, n-1/2 के बराबर हो जाना चाहिए, तभी तो आएगा d की जगह पे 10, मतलब कि ये n-1, ये जो पदों की संख्या होगी यहाँ पे हमारी n-1/2 जो होगी उसकी वैल्यू 10 होनी चाहिए, हमने इसे 10 कर दिया, तो n बराबर कितना आ गया भाई, 10 × 20 + 1, n का मान 21 आ गया, और ये 21 मान उठा के रख दीजिए, 21 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 × 21 + 1 बटे 4 × 21 + 27, 21 × 7 = 147 और 1 ये हो जाएगा 148 बटे 84 और 27, तो 84 और 27 जोड़ दीजिएगा 111 आएगा, है ना। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
कौन सा ऑप्शन 45 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। हो गया 46 तो हो गया, 47 आइएगा। 47 हमसे कह रहा है कि इफ एम टाइम्स ऑफ एमथ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एनथ टर्म ऑफ एपी, है ना। मतलब कह रहा है कि अगर एम पद एमवा पद का एम गुना और एनवा पद का एन गुना दोनों बराबर हैं, ठीक है, कर लिया जाए, कितना हो जाएगा, एमवा पद का एम गुना कर दीजिए, तो ये एमवा पद हो गया और इसका एम गुना हमने कर दिया, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये एमवा पद उसका एम गुना बराबर है किसके, एनवे पद के एन गुने के, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा ए एम प्लस, ए एम हो गया प्लस, कितना हो गया, ये हो गया एम की घात दो माइनस एम इंटू डी, बराबर में आ गया ए एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी। आइए इसको इधर ले आओ, ए ले लीजिए कॉमन एम माइनस एन बराबर, डी लीजिए कॉमन, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस का एन और माइनस का एम स्क्वायर आ जाएगा प्लस का एम आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट किया जाए इसको पहले, तो देखिएगा यहाँ पे एम माइनस एन हो जाएगा, एम माइनस एन और इसमें माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एक ब्रैकेट में एम प्लस एन हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में एम माइनस एन हो जाएगा, दोनों तरफ से एम माइनस एन लेके काट दिया जाए तो ए बराबर आ जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, डी को चुपचाप बाहर रहने दिया जाए, देखिए ये जा चुका है माइनस एन कॉमन होके वन बचा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस एन निकल गया तो माइनस का एन बचा, तो ये बचा हुआ है। अगर हम यहाँ से डी निकालना चाहें, माइनस कॉमन ले लो, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो, ए बराबर आ जाएगा डी इंटू एम प्लस एन माइनस वन, और हमें क्या निकालना है, एम प्लस एन वा टर्म्स, है ना, क्या निकालना है, टी एम प्लस एन बराबर ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसकी जगह पे देखो क्या रख सकते हो, माइनस का ए रख सकते हो, तो ए बराबर माइनस का ए, कितना आ जाएगा, जीरो। 47 का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था, 47 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। कह रहा है द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर विच आर ऑड, कह रहा है कि वो ऑड है वो हमको निकालना है, तो देखिएगा सभी, दो डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होती हैं, 11 के बाद फिर आएगा 13 के बाद 15 आ जाएगा, 15 के बाद डॉट 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 कहाँ तक जाओगे, 99 तक जाओगे, ये जोड़ना है हमको, तो पहले आप पदों की संख्या निकाल लीजिए, एन बराबर निकाल लीजिए, तो ये पदों की संख्या यानी कि एल बराबर आ जाएगा 99 इंटू ए मतलब 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान है 2, घटा देंगे तो ये 88 हो जाएगा, 88 बराबर आ जाएगा 2 इंटू एन माइनस वन, काट देंगे इसको 44 आ जाएगा, यानी एन का मान अब कितना आ जाएगा 45, एन का मान आ गया 45, हमको निकालना है इसके 45 पदों का योग, एस 45 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 बटा 2 इंटू 2 ए प्लस एल कर दो ना सीधा, 11 प्लस 99 110, 2 से भाग देंगे 55 आ जाएगा, तो ये आ गया 45 गुणे 55, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4905 आया था शायद, आ जाएगा क्या आएगा, 2475 आएगा, ठीक है 2475 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, एपी दी गई है, कह रहा है कि इसका पहला नेगेटिव टर्म्स क्या होगा, तो हम मान के चल रहे हैं कि पहले जीरो उठाते हैं, जीरो के बाद वाला जो टर्म्स होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, एक काम करते हैं तो यहाँ डी निकाला जाए, पहले सर्वांतर निकालिए, कितना आ जाएगा, इसका मतलब हो गया 18 सही 1/5 का मतलब 18 प्लस 1/5 माइनस हो गया 19, घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1/5 माइनस 1 कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 4/5 जो है इसका कॉमन
डिफरेंस हो जाएगा, है ना। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, माइनस का 1/5। ये 46 यहाँ कैसे आ गया, 46 चलेगा, कोई बात नहीं ले लेते हैं, यहाँ पे आगे पीछे हो गए हैं ये। तो ये माइनस का 4/5 जो आ गया, इसका कॉमन डिफरेंस आ गया, है ना। हमने मान लिया कि इसका एनवा पद जो है वो जीरो है, है ना। तो क्योंकि जीरो के बाद ही संभावनाएं हैं, ठीक है, एनवा पद निकाल दो, टी एन बराबर, हम एनवा पद जीरो लेके चल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा ए यानी कि 19 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान दिया गया हमको माइनस का 4/5, है ना। एक काम करते हैं, 19 को उधर भेज दीजिए तो माइनस का 19 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, चाहे तो इसको उधर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा 19 बराबर कितना, 4/5 इंटू एन माइनस वन, 5 का गुणा कर दीजिए तो 19 × 5 = 95 हो जाएगा, यानी कि 95/4 बराबर एन माइनस वन, तो ये प्लस वन हो जाएगा इक्वल टू एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 99 और 99/4, तो ये आ जाएगा एन बराबर कितना, 99/4, काट दीजिए इसको, 4 × 2 = 8 एक हो गया, 4 × 4 = 16 हो गया, यानी कि एन का मान 24 कुछ आ रहा है ना, ये कि जीरो होगा, मतलब उसके आगे वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव टर्म हो जाएगा, यानी कि तो इसमें कौन सा होगा निगेटिव टर्म, कौन सा हो जाएगा निगेटिव टर्म, भाई वो हो जाएगा हमारा 25वां पद, है ना, 24 + 1 25वां पद इसका निगेटिव हो जाएगा, यानी कि 46 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 48 हो चुका है ना, कर लिया हम लोगों ने, 49 करेंगे अब, आगे पीछे हो गए थे प्रश्न, 49 कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, कह रहा किसके कितने पदों का जो योगफल है वो 108 है, है ना। हम मान लेते हैं इसके एन पदों का योगफल जो है वो 8 है ना। कहने का मतलब ये है कि एस एन इज इक्वल टू कितना है, 108 है, ठीक है, लगा दीजिए एन बाई टू इंटू टू ए, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 6 − 3 यानी कि 3 बराबर कितना आ जाएगा, 108 हो गया। एक काम करते हैं, ये आ गया n बाई टू, रहने दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई किया जाए इसका, आ जाएगा 6 + 3n − 3, है ना, ठीक है। चाहते तो 3 कॉमन लेके काट देते लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब ले लेंगे कॉमन, n बाई टू इंटू, तो ये आ जाएगा 3n + 3 बराबर कितना हो गया, 108, ऊपर से 3 कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा n इंटू 3 हमने कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा n + 1 बटे में कितना आ जाएगा, 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 108, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9 कितना हो गया, 3 × 6 = 18, 36, 36 × 2 = 72 n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू कितना, 72 आ जाएगा, 72, और n इंटू n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं क्या, 8 × 9 = 72 होता है ना, 8 + 9, इसे लिखिए 8 × 9 है ना, और इससे लिख दीजिए 8 + 1, कंपेरिजन कर दीजिए दोनों तरफ, n का मान 8 आ जाएगा, n का मान कितना आ गया, 8, है ना। तो 49 में ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, कह रहा है इफ nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इन लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर में उठा लीजिए कोई एनवा पद, उठा लीजिए लीनियर, हमने एनवा पद उठा लिया, लीनियर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लीनियर एक घात होनी चाहिए, हमने ले लिया 2n + 1, है ना। कह रहा है किस प्रकार की श्रेणी होगी ये बताना है हमको, चलिए n बराबर रखना कुछ शुरू करिए, n बराबर आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, डॉट डॉट रखते जाइए, 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, और उसके बाद 7 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और कैसी श्रेणी है ये देखिए, 2 कितना आएगा, ये 2 और इन दोनों घटाइए 2, सर्वांतर बराबर है, इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी, समांतर श्रेणी, यानी कि 50 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, ए पी करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, आज की क्लास यहीं तक, क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक के प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।